अच्छा मैंने ना तुम लोग को मैंने एक स्टोरी नहीं बताई गाइस। जब मैं प्लेग्राउंड 2 से आ रहा था, मेरी नियर डेथ एक्सपीरियंस थी। मेरे साथ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। मेरे को मौत अपनी आंखों के सामने दिखी थी, बट मैं जिंदा हूँ। बहुत बहुत क्रेजी सीन हो गया था। क्या हुआ था जल्दी बताओ। तो जब प्लेग्राउंड से मैं निकल रहा था ना, एयरपोर्ट पे था, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्लाइट, एंड मेरी फ्लाइट थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया इज द वर्स्ट फ्लाइट एवर। जब भी मैं एयर इंडिया ट्रैवल करता हूँ, कुछ ना कुछ लोचा होता है। मेरे को एयर इंडिया में बैठता हूँ तो मेरे को ये कान में दर्द होता है, क्योंकि एयरप्लेन का जो अंदर का एयर प्रेशर होता है, वो लोग वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। ट्रैवल करते टाइम तुम्हारा लगेज डैमेज हो जाता है, लगेज लेट आता है, ये सब हर बार एयर इंडिया के साथ होता है। तो आई वॉज लाइक कि यार मर गए, एयर इंडिया का फ्लाइट है। तो मैंने बोला अभी जो भी है चलो जाके फ्लाइट में बैठते हैं, नाउ फाइनली घर में जाएंगे। अभी इतना सारा 30 दिन बीती लिया, वो सब थोड़ा रिलैक्स करता है। तो मैं फ्लाइट में बैठा, ठीक है, और फ्लाइट और उस दिन पता है क्या हुआ, उस दिन मैंने वेब चेक इन नहीं किया था, बट दिस बीइंग एयर इंडिया और मैं गया थोड़ा लेट था, तो मेरे को बोला एक ही विंडो सीट है, आपको दे दूं। मैंने बोला जो भी है दे दो। सो टर्न्स आउट 28F थी, जो एकदम लास्ट, अगर ये प्लेन है ना, प्लेन की लास्ट में लास्ट जो सीट होती है उसका विंडो सीट, एकदम प्लेन का राइट मोस्ट कोना, उधर मैं बैठा था। मैंने बोला चलो ठीक है, फक इट, नो लेग रूम, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं प्लेन में बैठा और यहाँ से होती है बीटी शुरू। प्लेन में सब वो अनाउंसमेंट होती है कि चलो अभी कुर्सी की पेटी बांध लो, ये कर लो, वो कर लो, सब हो गया, ठीक है, और प्लेन अब चलना शुरू हो जाता है। प्लेन स्टार्ट्स और मैं प्लेन धीरे 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 करके रनवे पे स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ तो विंडो के बाहर मेरे को लिटरली ऐसे 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 जो प्लेन है ना, प्लेन के ऐसे पंख रहते हैं, ऐसे ऐसा 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 वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है लिटरली। तो मैं वापस एयर इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया कि एयर इंडिया भाई पुरानी फ्लाइट है, कुछ मतलब ये क्यों ही उड़ाते हो, फ्लाइट डिसकंटिन्यू कर दो, टाटा ने खरीदा उसके बाद भी तुम अच्छी फ्लाइट नहीं बना रहे हो। तो वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मेरा फिर ध्यान नहीं गया। और उसमें जो मैं पीछे की सीट पे बैठा था, उस पीछे की सीट पे ना अगर वॉशरूम में भी कुछ साउंड आता है तो मुझे सुनाई देता है, और जो इंजन का होता है, जो पीछे वाला इंजन का होता है, उसमें भी अगर मूवमेंट होता है और जो पिकअप लेता है, तो जो वाइब्रेशन होती है पीछे वाली सीट पे, मेरे को सीट के पीछे फील होती है और मेरे को आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी प्लेन ने टेक ऑफ चालू किया और मेरी गांड फट गई है। मेरे को लगा आज ये फ्लाइट पता नहीं आधे रास्ते में रोक लेंगे, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ तो मैंने किसी को बात करते सुना था कि ये फ्लाइट इंटरनेशनल से आई है और फिर बिना चेकअप के ये दूसरा रूट ले रही है बिकॉज कुछ लेट हो रही थी, ऐसा कुछ तो बीटी था। तो मैंने वो पहले एयरपोर्ट पे सुन लिया था और फिर मैं अंदर बैठा हूँ और फ्लाइट में ये जो पंख है वो वाइब्रेट हो रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, मेरी गांड फट गई और धीरे 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 करके प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। अभी प्लेन हवा में, तो तुम्हें अगर तुम्हें पता होगा तो मुंबई से जब तुम्हारी फ्लाइट कभी भी जाती है ना, तो मुंबई से अहमदाबाद आने के लिए प्लेन ऐसे जाता है और यू टर्न लेता है हवा में फुल ऐसा सर्कल घुमा। तो प्लेन ने जब वो सर्कल लिया ना, तब सारी प्लेन की लाइटें ऑन थी और लेफ्ट साइड मैं एकदम प्लेन के राइट साइड में बैठा हूँ। तो मैं जब जा रहा था ऐसा टर्न ले रहा था तो प्लेन वाइब्रेट हो रहा है, मेरी फट रही थी, बट मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। और जब प्लेन फुल घूमा, मतलब हमारी साइड लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट की साइड राइट हो गई, बेसिकली जब यू टर्न कंप्लीट हुआ, तो जो लेफ्ट साइड की सीट्स, वो लेफ्ट साइड की सीट्स पे से खिड़की में से पूरा ऑरेंज ऑरेंज कास्ट आ रहा था सीट्स पे, और तभी तुरंत सारी लाइट्स ऑफ हो गई। तो अब मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि ये लाइट के कारण है, मैं उधर देख रहा हूँ और मैंने देखा पूरी सीट्स ऑरेंज हो चुकी है। मेरी फटी की कहीं आग तो नहीं लग गई प्लेन में, बट फिर मेरे को ये लगा कि नहीं नहीं अगर आग होती तो ऐसा 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 फ्लेम का वो लाइट ऐसा फ्लिकर होती, बट दिस टेबल ये सनलाइट है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी इतना सारा दिमाग में चीजें है तो उसको मैं बाहर कैसे निकालूं, मैं डिस्ट्रैक्ट कैसे करूं, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है, ठीक है, फ्लाइट में, और मेरे ईयरफोन्स में बैटरी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे बाजू में जो दो सीट्स थी वहाँ पे एक आंटी बैठे थे, और आंटी मतलब आई थिंक 32 ईयर ओल्ड कोई लेडी होंगी, और उनके साथ उनका 5-6 ईयर ओल्ड किड बैठा हुआ था, और वो बच्चे का नाम था कियान, ठीक है। तो मैंने वो बच्चे की तरफ देखा, मैं स्माइल कर रहा हूँ, बच्चे को नाम पूछा, बच्चे ने अपना नाम नहीं बताया, वो शर्मा गया, तो आंटी ने बोला कियान नाम है, बहुत शर्मीला टाइप का है ये सब। तो बच्चा अभी बैठा है और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बच्चा बहुत शर्मीला है तो बात नहीं कर रहा है। तो मैं चुपचाप करके बैठा हूँ और तब तक प्लेन हिले जा रहा है। मैंने बोला अब क्या करूँ, अब ना मेरे को जैसे प्लेन स्ट्रेट हुआ, अब मेरे को वापस वो जो पंख है वो ऐसे 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 होते दिख रहा है, ऐसे हिल रहा है लिटरली, फ्लाइट में जैसे टर्बुलेंस आता है ना वैसे हो रहा है, पूरा फ्लाइट हिल रहा है बट टर्बुलेंस अनाउंस नहीं हो रहा है। और वहां पे से वो सीट बेल्ट की पेटी का जो साइन रहता है ना, कुर्सी की पेटी का जो साइन कि आप डिटैच कर सकते हो, वो साइन आ चुका था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, मेरी गांठ फटी। मैंने आजू बाजू ऐसा घूम के सबको देखा,
सबके चेहरे उतरे हुए, मेरी तरह सबके चेहरे पे टेंशन है। फिर मैंने अपनी बाजू में वो आंटी को देखा, अब वो आंटी के चेहरे पे टेंशन है, और आंटी ऐसी दिख रही थी ना कि ये आंटी तो मतलब ऐसे मॉडर्न लेडीज जो होती है ना कि बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हैं या फैमिली है तो फैमिली के साथ एवरी कपल ऑफ मंथ्स वेकेशन पे जाते हैं कुछ। तो मैं ना डेढ़ साल से पहले तक फ्लाइट में कभी नहीं बैठा था, बट डेढ़ साल से मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने फ्लाइट में जा रहा हूँ, पर फिर भी मेरी फटी थी। तो मैंने देखा वो आंटी को और मेरे को लगा ये आंटी तो मुझसे ज्यादा ही फ्लाइट्स में बैठे। आंटी का भी चेहरा फुल टेंस हो चुका है। अभी वो बच्चा जो है, बच्चा उसकी मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे अपना फोन दो ना, तो वो आंटी वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन देती कि हाँ माथा नहीं खाएगा, ऐसा करके फोन निकाल के दिया। और आंटी ने जो बोला मेरी गांठ फट गई सुन के। आंटी ने बोला बेटा टेक दिस फोन, लेकिन बिफोर एवरीथिंग प्लीज प्रे कि ये हमारी जर्नी सेफ रहे और हम सेफली लैंड हो। मेरी गांठ फट के हाथ में आ गई है, क्योंकि भाई ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलता है। और जो मेरा डाउट था वो आंटी ने सच कर दिया कि मतलब आंटी की भी फटी है। और वो देख के ऐसे लग रहे थे कि आंटी को तो फ्लाइट एक्सपीरियंस फुल है, ठीक है। अब मैं इतनी फ्लाइट्स में बैठ चुका हूँ, किसी फ्लाइट में ऐसा नहीं हुआ। मेरी फटके 64 है। अब मैं आजू बाजू देख रहा हूँ सब लोग वापस टेंस है, और वो सीट बेल्ट का जो साइन उतर गया है ना, तो एक दो लोग अपने सीट से उठ रहे। तो मेरे को लगा जैसे ट्रेन में लोग ऐसा खड़े होते हैं कुछ भी लोचा होता है ऐसा करके अंगड़ाई वंगड़ाई लेके जाके टीसी को पूछता है कि क्या हुआ क्यों रुकी ट्रेन, वैसा कुछ करेंगे मेरे को ऐसा लगा। उसमें एक बंदा खड़ा हुआ, एक दादी खड़े हुए और एकदम टेंस फेस से ऐसे ऐसे आजू बाजू देख रहे। मैंने बोला भगवान आज मैं मर रहा हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है और मेरे को ऐसे नहीं मरना है, प्लीज बचा लो मुझे, ठीक है। मेरी पूरी लाइफ का मुझे फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। और कितनी बार फटेगी डूड, डेढ़ घंटे का फ्लाइट था, डेढ़ घंटे का। अभी वो दादी लोग को मैंने देखा और मेरे को लगा ये अंदर जाके वो एयर स्टाफ जो होता है ना, एयर हॉस्टेस लोग, उनका एक इंचार्ज था हमारी फ्लाइट में, एक हायर अथॉरिटी जैसा लग रहा था, वही बंदा जो पायलट जैसा दिखता है बट पायलट नहीं होता। तो वो आंटी उसके पास जा रही है मेरे को ऐसा लगा, बट टर्न्स आउट वो आंटी वॉशरूम में थी, पर मेरे को नहीं पता कि आंटी वॉशरूम जा रही है। मैं लास्ट सीट पे हूं, वो आंटी ऐसा पीछे चले गए, और फिर 5 मिनट बाद मेरे को ऐसा 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 वाइब्रेशन फील हुआ मेरे सीट पे, बिकॉज टॉयलेट के जस्ट आगे वाला सीट था मेरा, और आवाज घूम करके आया, मेरी गांठ फट गई वापस। अब तक 5 बार फट चुकी है थ्रू दिस स्टोरी। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं ये वॉशरूम का फ्लश था, मेरी वापस सांस में सांस आई, ठीक है। अब आधा घंटा हो चुका है, आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माय सेल्फ। आंटी का चेहरा टेंस है, पूरा फ्लाइट टेंस है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, प्लेन अभी भी ऐसे 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 हिल रहा है। आई हैव सीन टर्बुलेंस, तो लिटरली टर्बुलेंस जैसा था, बट अनाउंस नहीं हुआ अभी। उतने में वो जो मैंने बोला ना एयर स्टाफ का इंचार्ज रहता है, तो मेरे पीछे से निकल के आया, और वो एकदम मैंने उसको पीछे से जाते हुए देखा, तो वो था, तो वो एकदम टेंस ऐसा, उसके पीछे से वो जा रहा था एकदम फास्ट फास्ट चल के आगे कॉकपिट की तरफ, और एकदम टेंस दिख रहा था उसका बॉडी लैंग्वेज की, मतलब हड़बड़ाहट में जा रहा है। उसका जो बाल है वो फुल बाल तो नहीं, मतलब टकलू था अंकल, तो वो ऐसे टाइट हो जाता है ना, ऐसा रिंकल्स दिखता है, तो वैसा वो दिख रहा था। और वो अंदर गया, मेरे को लिटरली ये पूरा थॉट आया मैं बचपन में कैसा था, मेरी स्कूल लाइफ कैसी रही, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे बड़ा किया, मेरे को किस किस से प्यार हुआ, मेरे कौन से हाईज आए कौन से लोज आए, ये सीन हुआ मेरे सामने, पूरा लाइफ का फ्लैशबैक आ रहा है। मैंने हनुमान चालीसा करना स्टार्ट कर दिया एट दिस पॉइंट, आई एम नॉट इवन केड़े, और मैंने भगवान को बोला, जितने भी भगवान याद थे मैंने सब भगवान को याद किया। मैंने बोला भगवान मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूं, अभी प्लेग्राउंड में से इतना गहरा सदमा लेके मैं आया हूं, अभी एक बड़ी लाइफ देखनी है मुझे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है अपने लिए अपने फैमिली के लिए। तो ये थॉट था और मैं फटी पड़ी हनुमान चालीसा भी कर रहा हूं। इतने में वो बंदा आता है जो एयर स्टाफ वाला था, वो चल के आया, और इस बार वो फुल नॉर्मली आया। मेरे को ऐसा लगा वो टर्बुलेंस का पूछने गया, बट वो एकदम फुल नॉर्मली आया, एक पीस ऑफ शीट ऑफ पेपर लेके आया, और आया और ऐसे 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 चल के वापस पीछे तक चला गया। तब मेरी सांस में सांस आई, जान में जान आई, और तब मेरे को लगा कि भाई अगर इसको स्माइल करने हो रहा है, इसका मतलब इसको पता है कि इसकी जान तो नहीं जा रही है, और इसका मतलब हम लोग सेफ है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ब्रीथ किया, और वापस ये फ्लाइट पूरा हिल रहा है, वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। अभी इतने में वो पीछे से एयर होस्टेस और वो सर एक ट्रे लेके आए, और वो सब लाइक एयर इंडिया में पता है ना तुम्हें, पानी की बोतल और एक सड़ा हुआ सैंडविच देता है, वो सैंडविच का ब्रेड हमेशा फूगा हुआ होता है, तो वो सैंडविच लेके आ रहे जो किसी को नहीं खाना होता है, बट सिचुएशन ऐसा टेंस है, मेरे को पता है कि अगर मैं चबाऊंगा नहीं तो मेरा ध्यान वापस यही गलत थॉट में रहेगा कि मेरी मरने वाला हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है, प्लेन क्रैश होगा। मैंने वो सैंडविच लिया और मैंने खाना चालू कर दिया, इतना घटिया सैंडविच मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। 5-10 मिनट वो सैंडविच चला, तब तक मेरे दिमाग में लाइक मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मैं सैंडविच को गाली देने में डिस्ट्रैक्टेड था। फिर अभी फ्लाइट को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, अनाउंसमेंट हो रहा है
कि कैबिन क्रू प्लीज प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। अब आता है मोमेंट लैंडिंग का। लैंडिंग के टाइम पे भी अब मैं बाहर देख रहा हूँ, अब तक मैं विंडो के बाहर नहीं देख रहा था फट के, अब मैं विंडो के बाहर देख रहा हूँ तो रात हो चुकी है और रात में वो प्लेन के विंग्स के ऊपर वो रहता है ना लाइट रहती है रेड रेड, और मेरे को सिटी दिख रहा है मेरा अहमदाबाद दूर से, तो वो लाइट है तो वो ऐसा पंख, उससे मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि पंख अभी भी वाइब्रेट कर रहे हैं और प्लेन में अभी भी टर्बुलेंस जैसा है। मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों की फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है, हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस नहीं आया था, हमारा टर्बुलेंस में एयर इंडिया आ गई थी। तो अभी लैंडिंग का टाइम था, मैंने अपना जो सीट था उसके आर्मरेस्ट को ऐसा कस के पकड़ लिया मैंने, और मैंने वापस हनुमान चालीसा करनी स्टार्ट कर दी कि बस अब लैंड करा दो सेफ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान आपसे, ठीक है। और प्लेन नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे, और अब लैंडिंग के लिए ऐसे ऐसे हो रहा है प्लेन, मेरे को स्ट्रेट भी नहीं लग रहा था, ऐसे 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 लग रहा है। और प्लेन का जो टायर है वो जब नीचे लगता है तो एक वो ऐसा बाउंस होता है ना प्लेन, तो प्लेन बाउंस हुआ, और उस टाइम पे जिस हिसाब से प्लेन आगे जाके उसको जो फ्रिक्शन लग रहा था रोकने के लिए, भाई मेरे को लगा कि आज ये प्लेन का जो विंग्स है वो छूट जाएगा, टूट जाएगा, ये जो पहिए हैं वो सारे पहिए टूट जाएंगे, कुछ भी मतलब सब टूट टूट जाएगा और हम जाके ऐसा पूरा क्रैश करेंगे, और मेरे पास तो लेग रूम भी नहीं है, और अगर मेरे को भागना है तो मैं भागते टाइम क्या क्या सामान उठाऊंगा, क्या छोड़ूंगा, अगर पानी में लैंड कर रहे तो मैं कौन सा बैग लूंगा और कौन सा रहने दूंगा, ये सब सोच लिया था मैंने। और फिर फाइनली लैंड हुए और सेफली लैंड हुए, और सबके चेहरे पे एक रिलीफ आया, पूरा प्लेन मेरे को ऐसा दिखा कि सबकी ऐसी आंखें बड़ी हुई और सबने ऐसा रिलीफ से आंखें रोल की, ऐसा आंखें पूरी रोल की सबने, लिटरली आई कुड सी दैट आंटी मेरे बाजू में, और मेरी सांस में सांस आई, मैंने मेरे हाथ कांप रहे, ठीक है। मैंने वो एयरप्लेन मोड ऑफ किया, मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मैंने बोला मम्मी मैं लैंड हो चुका हूँ और फटाफट से यहाँ एयरपोर्ट पे लेने आ जाओ, मैं अभी भी कांप रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है क्या हुआ है। मैं बस बाहर गया और बाहर अभी तक जो पूरा सबके चेहरे उतरे हुए थे, जब मैं बेल्ट पे गया सब बैग्स लेने, उधर भी मैं देख रहा हूँ सब लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि सब लैंड हो चुके हैं, सबकी ऐसा हालत खराब। और फिर बैग्स आए, मैंने बैग ली, मैं कांपते कांपते बाहर जा रहा हूँ और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा, और मैं इस चीज को फिर मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया, 3 दिन तक नहीं बताया। और कल रात को जब मैं सो रहा था तो कल रात को मेरे को याद आया कि ये स्टोरी मुझे आप लोग को बतानी चाहिए, क्योंकि उसी दिन मैंने फिर ये मॉम डैड को ये स्टोरी बताया। ब्रो आई गॉट चिल्स भाई, मैं डेथ बीट करके आया मेरे को ऐसा लग रहा था, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई कि मैं अभी जिंदा हूँ। और इससे एक ही सीख मिलती है, कभी भी एयर इंडिया बुक मत करना।